केस में अगर देखा जाए तो मेडिकल रिपोर्ट देखे तो स्पीकर बनने का क्या सोच रहा है इसे? इसकी वजह से इसकी टीम की रैंक भी गिर गई। कल इसकी टीम मूड केस और मार्क भी लूज करेगी। शान बेटा बहुत मेहनत कर रहा और एक दिन इतने बड़े लॉयर बने, अभी तुम्हारे पापा जस्ट को अपनी जिंदगी खोनी पड़े सिर्फ इसीलिए कि किसी ने उनका केस नहीं लिया। बहुत बड़े लॉयर बने। पूछूंगा कि तुम क्लास के बाद भी यहां क्यों बैठे, क्योंकि मैंने सब सुन लिया। आई डोंट वांट टू रिपीट दैट। मैडम तो आपको पता है कि आज क्या हुआ? और जो हुआ मुझे उसकी उम्मीद नहीं थी शान। सॉरी सर, मेरी वजह से आपको आप एम्बैरेस हुए। एक्चुअली नहीं, इतना शौक मत हो जाओ। शौक तो मैं हूं। आई एम प्राउड ऑफ यू शान। भाई तुम फाइनल ईयर के लॉ स्टूडेंट हो, पांचवा साल है इस इंस्टीट्यूट में तुम्हारा। इन पिछले पांच सालों में तुम अपनी क्लास के रिसर्चर बने। पहली बार ऐसा हुआ है कि तुमने ये डिसीजन लिया कि तुम्हें स्पीकर बनना। आई एम सो प्राउड ऑफ यू शान, वेल डन। अब ये जो जिंदगी में तुमने कामयाबी वाला कदम आगे बढ़ाया है तो प्लीज इससे पीछे मत हटना। मैं तो बीच में अटक। अरे अटक गए सो व्हाट, दुनिया अटकती है। कोशिश करने से ही तुम आगे बढ़ोगे। मुझे शायद लॉयर बनना ही नहीं चाहिए था। तुम्हें नहीं करना चाहिए था। यू नो व्हाट, तुम्हें अपना आर्ग्यूमेंट इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना चाहिए था। नेक्स्ट टाइम कुछ भी करो अपना आर्ग्यूमेंट कंप्लीट करना। यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट टाइम होगा ही नहीं सर। अरे हटाओ, किसने कहा है नहीं होगा? हाँ जरूर होगा शान, फाइनल टर्म तो अभी शुरू हुआ है। और फिर भाई इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज के बारे में तुम्हें सोचना। फिलहाल ये देखो, किसी अच्छी जगह पे इंटर्नशिप नहीं करोगे तो फिर रिज्यूमे में क्या लिखोगे? आई मीन व्हेन यू इवेंचुअली गो फॉर इंटरव्यूज। ही इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन एंड आई डू कंसल्टेंसी फॉर हिम। आई एम श्योर जैसे मैं तुम्हें अंडरस्टैंड करता हूँ, तुम्हारी प्रॉब्लम समझता हूँ, ही विल ऑल्सो अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम एंड द प्रॉब्लम यू आर इन। नो 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 नो, शाइन माय बॉय शाइन, this is time to shine। शान को स्पीच की प्रॉब्लम थी, वो बचपन से स्टैमर करता था। लेकिन ये प्रॉब्लम होने के बावजूद शान ने अपने लिए जो करियर चुना, वेरी इंप्रेसिव। इतना आसान नहीं होता ऐसा करियर चूज करना। बट अब अगर ऊपर वाला कोई प्रॉब्लम देता है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी का हाथ और साथ भी देता है, और इस सिचुएशन में वो हाथ था प्रोफेसर विक्रमजीत। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू येट अनदर ऑसम एपिसोड ऑफ ग्लैमर प्रेजेंट्स बिंदास ये आशिक पावर्ड बाय कार्बन स्मार्ट।
रहा था और शान तो उसके सामने फिक्का ही पड़ गया। म्यूटेंट है, म्यूटेंट कुछ समझे ही नहीं। आया ऑब्जेक्ट सर, केस में अगर देखा जाए तो मेडिकल रिपोर्ट देखे तो शायद पहले दिन ही आप लोग गायब हो गए, लेकिन भाई गलती मेरी है। मुझे ये समझ जाना चाहिए था कि तुम दोनों बहुत सिंसियर हो और वक्त से पहले आ गए। अरे भाई, बेटी किसकी है ये? बेटी? कौन बेटी? ये फॉर्म मिस्टर अजमल मलिक की, मेरे पापा की नहीं। और जब तक मैं यहाँ इंटर्न हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ रुखसार मलिक हूँ। अजमल मलिक की बेटी कहाँ है ये मुझे नहीं पता। और बेहतर होगा कि काम के वक्त आप अपने इंटर्न से काम की बात करें, अपनी बेटी की नहीं। अनलेस आपने आपकी बेटी को ढूंढने का केस हमें दिया हो तो वो अलग बात। मैं अजमल भैया, आप ताहिर और मैत्री से तो मिल लिए। मीट दिस बॉय शान, इसके बारे में मैं आपको बता रहा था। वैसे मैंने विक्रमजीत को कभी किसी की इतनी तारीफ करते हुए नहीं सुना, और वो भी किसी इंटर्न की। सो यू मस्ट बी गुड। तो क्या करने का इरादा है तुम्हारा आगे? कौन से लॉ में मास्टर करना चाहते? सब कम ऑन नाउ, सिविल लॉ इज व्हाट आई रियली लाइक सर। आई नो कि मुझे लॉयर बनने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, बट दिस इज माय पैशन सर। पैशन फॉलो करना चाहता है, गट्सी है बंदा। I'll do my best, sir. All the best, boys. विक्रमजीत, मेरे केबिन में आओ, तुमसे कुछ बात करें। कि बहुत छोटी तकलीफ है, लेकिन ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो तो दो शब्द भी बिना रुके नहीं बोल सकता, और तुम ऐसे लड़के को वकील बनाने का ख्वाब देख रहे हो। देखो, ये बात सच है, बिना रुके नहीं बोल पाता, लेकिन ये बात भी सच है कि उसका दिमाग इतना तेज चलता है कि भाई ये बातें तो अपने आप नजरअंदाज हो जाती। तुम मेरी दलीलों पर मत जाओ, आप एक बार उस लड़के को परख के देखो, तब आपको समझ आएगा कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। बट उसका फ्यूचर, माना कि वो एक महीना मेरे ऑफिस में काम करके वकालत सीख भी लेगा, लेकिन बाहर क्या क्या होता है इससे तो तुम अच्छे से वाकिफ हो। अजमल मियां, भाई आप मुझ पर भरोसा करते हो ना? क्या बात कर रहे हो, ये भी कोई पूछने की बात? तो बस बात खत्म, मेरी बात मान, एक मौका इस लड़के को देकर देखो, फिर देखो ये क्या करता है। ओके योर ऑनर।
परिवार में से किसी एक शख्स ने किया था। ये डिडक्शन कैसे लगाया था आपने? दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। आई लाइक योर शार्प थिंकिंग सर। एक्चुअली ये डिडक्शन मेरा नहीं, शान का है। जब हम ये केस डिस्कस कर रहे थे तो इसने ये डिड्यूस किया। मैंने तो इस एंगल से सोचा भी नहीं। वाकई तुम्हारा दिमाग बहुत तेज दौड़ता है शान। वैसे तुम्हें ये क्लू मिला कैसे? सर ऑटोप्सी रिपोर्ट में बच्चे की दो रिब्स से टूटी थी, जो ये इंडिकेट करते हैं कि बच्चा कुछ साल से फिजिकल अब्यूज का शिकार। बस इसी से हमने ये अंदाजा लगा लिया कि इतनी छोटी उम्र में अब्यूज कोई फैमिली मेंबर ही कर सकता है। यस देखा जमल भैया, फैंटास्टिक। इन दोनों को मिले हुए अभी एक दिन भी नहीं हुआ है, पर ये बोथ फॉर्म अ ग्रेट टीम। शान की एनालिसिस और रुखसार का उस एनालिसिस का इंटरप्रिटेशन कमाल है, कमाल का कॉम्बिनेशन। थैंक यू सर। तुमने बिल्कुल ठीक कहा विक्रम, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम दोनों इस केस को इतने अच्छे से स्टडी करोगे। गुड जॉब बोथ ऑफ यू। एंड ताहिर बेटा कॉन्सेंट्रेट। यू मे लीव नाउ। थैंक यू। थैंक यू। सॉरी ब्रो, गलती से गलती हो गई। ऐसे किसी लड़की को घूर कर देखते तो अब तक बात बन गई होती। उसे इग्नोर करना चाहिए। तो मुझे तमीज से बात करोगी? सॉरी, गलती हो गई। इस बार मैंने बकवास की। राइट, एज ऑलवेज। चले ब्रेक के काम काम काम, ना ठीक से खा पाई हूँ ना सो पाई। तुम्हें देखकर भी यही लगता है कि तुमने भी कुछ नहीं खाया है ना? मुझे पता था तुम थोड़े वियर्ड जरूर हो, बट कुछ चीजें हैं जो हमें कॉमन। अच्छा, और नहीं तो क्या। देखो मैं अपने काम को लेकर बहुत कमिटेड हूँ, तुम भी हो। लॉ मेरा पैशन है, तुम्हारा भी है। मैं हर केस पर जीत तोड़ के मेहनत करती हूँ, तुम भी करते हो। मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ और तुम हो, पर मुझसे थोड़ा कम, और ये साबित कर लिया। सच? अरे हाँ हाँ। अच्छा मैं और तारीफ नहीं करूंगी, वरना तुम खुद को बहुत इम्पोर्टेंस देने लग जाओगे। तुमने टिफिन लाया या फिर मुझे अपना डब्बा शेयर करना पड़ेगा? टिफिन है मेरे पास, पर बाद में खाऊंगा। सी यू। मेरे साथ खाओगे तो खाना हजम नहीं होगा।
चल नहीं था कि ना गिर सकता है वो। की लाइफ की वो पहली इंसान थी जिसने शान के हैंडीकैप को बहुत ही नॉर्मली ट्रीट किया, इन्हें शायद उस पे ध्यान भी नहीं दिया। और रुखसार के लिए शान का सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपनी वीकनेस से उठकर आगे बढ़कर जो कुछ कर दिखाने का डिटर्मिनेशन, वो रुखसार को बहुत इंप्रेस कर। अब रुखसार और शान के बीच में देयर वाज दिस अननोन कनेक्शन, कुछ तो था जो इन दोनों को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हमारे लव हीरो विक्रमजीत को सब कुछ समझ में आ रहा था। और विक्रमजीत की हेल्प से रुखसार और शान ने एक दूसरे के प्यार को डिस्कवर किया। वो कैसे किया वही देखते हैं। इंटर्नशिप स्टार्ट हुई है, तुम उसी सैंपल केस का दिखती हो जैसे और लोग तो यहाँ है ही नहीं। सैंपल केस नहीं है, और जो बात तुम इनडायरेक्टली पूछना चाहते हो वो तुम्हारे इस कमेंट में छुपा है। जान बूझ के मैं तुम्हारे साथ हैंग आउट नहीं करती, ये मुझे तुम जैसे फेक लोग बिल्कुल नहीं पसंद। क्या हुआ, बुरा लगा? टू बैड, तुम अपने इस क्वेश्चन के आंसर से डील करो, मुझे बहुत काम है। विक्रमजीत सर ने बुक इशू करके पढ़ने को बोला। अपने लोगों के साथ रहना सीखो रुखसार। अपने लोगों के साथ? What do you mean? तुम्हारा नाम रुखसार है और वो शान, तुम मुस्लिम हो वो हिंदू, सब कुछ होना पॉसिबल है, लेकिन तुम्हारा मजहब अलग है, सब कुछ अलग है। शान और रुखसार का एक होना इम्पॉसिबल। धर्म एक होने से कोई अपना नहीं होता, पर ये बात तुम जैसा सैंपल केस कभी नहीं समझे। जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस।
सही गई, मैं रुखसार और वो शान, पर फिर भी कुछ तो दिखता है मुझे शान, शायद उसकी सच्चाई, उसकी इनोसेंस, उसकी इंटेलिजेंस, उसकी स्माइल, मैं उसके बारे में ये सही नहीं, और ना ही उसका सफर आसान रहा है। सुनने में जितना भी क्लीशे लगे, पर सच तो ये है कि हमारे रिलीजन अलग है, और ये होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। शान ऑलरेडी इतना परेशान रहता है, एक और परेशानी नहीं बनना चाहती मैं उसकी लाइफ में। लॉ फर्म की लाइब्रेरी में ये बुक यहां किसने रखी? इशू करने को कहा था, बुक ढूंढने में इतना टाइम लग गया, पता ही नहीं चला कि इतना लेट हो गया। और तभी मैं सोच रहा था कि तुम अचानक से एकदम गायब कैसे हो। नथिंग डूइंग, अब इतने रात को अकेले। आई विल टॉक टू चलो। नहीं नहीं, वो मेरा घर बस यही पास है, मैं चली जाऊंगी। और तुम्हारे पास स्कूटी है? हाँ। तो ओ, मैं तो भूल ही गया, देयर यू कांट सिट डबल सीट। नो प्रॉब्लम। या थैंक्स, पी किल्स मी। ओके, आई अंडरस्टैंड। नो पी, आई मीन नो प्रॉब्लम। वो मेरा घर बस चार कदम की दूरी पर है, मैं चलकर जल्दी पहुंच जाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूं, चार कदम चले। चलो। मतलब इतनी ज्यादा फॉर्मेलिटी।
यहाँ है? अब इस बीट पर मेरे साथ सिर्फ गाने के वर्ड्स बोलो, ओके? आंखें बंद करो, तुम चाहो तो पहले हम गाना गा सकते हैं, उसके बाद सिर्फ गाने के वर्ड्स बोलेंगे, प्लीज आंसर, ओके? सक्सेसफुल हो गए तो हम मिलकर तुम्हारी इस स्टैमरिंग की प्रॉब्लम को खत्म कर देंगे। यस, हम मिलकर वो विक्रमजीत सर ने कहा ना दैट वी आर अ ब्रिलियंट टीम, और ये एक और बार प्रूव हो गया, अगर हमने ये किया है तो आगे भी हम कर सकते हैं। मैं तुम्हें इंटरव्यूज की तैयारी में हेल्प करूंगी, और लॉ स्कूल में फाइनल सेमेस्टर के पहले ही प्लेसमेंट शुरू हो जाते हैं, इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा। वी कैन डू इट, यस वी कैन डू इट। ये पॉइंट नंबर 14 समझा भी मैंने। एक्सप्लेन करता हूँ। मिस्टर डिक कोस्टा का फैमिली के फैमिली हिस्ट्री छानबीन करने के बाद पता चलता है कि वेरी गुड, क्या पता चलता है? इनके घर वायलेंस उतार रहा है, इंटेलिजेंट है, टैलेंटेड है, वो
और ऐसी लड़की मुझ जैसे हकलाने वाले लड़के में क्यों इंटरेस्टेड होगी? और अगर होगी भी तो उसके पापा, हमारा रिलीजन, कल्चर, कस्टम सब अलग है, उसकी फैमिली कभी नहीं मानेगी। शान, तुम गए नहीं? नहीं, इंतजार कर रहा था तुम्हारा। मेरे साथ डबल सीट राइड ये ले चलोगी आज? जानता हूं शायद तुम्हें सुनकर अजीब लगे, मगर कितना अच्छा स्पीच दिया तुमने,
सबको हिला दिया तुमने। मानना पड़ेगा भाई, कुछ ही दिनों में इतना बड़ा चेंज। बेस्ट ऑफ लक। Keep falling in love, guys.